कुछ ही देर बाद अहमदाबाद में प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होने वाला है। करीब 36 से 38 किलोमीटर का ये रोड शो बताया जा रहा है। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने पूरे समारोह और तैयारियों का जायजा लिया। गुजरात में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है, वहीं आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो होना है अहमदाबाद में। उसकी तैयारियां अलग अलग हिस्सों में की जा रही हैं। सुभाष सर्कल पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है और यहां पर 6:13 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग हिस्सों से होते हुए वो यहां पर गुजरेंगे। वैसे तो शुरुआत हो जाएगी तकरीबन 3 बजे के आसपास, लेकिन समापन 6:30 होगा। चांद खेड़ा में अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है उसको भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर एक तरफ जहां साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम अधिकारी भी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। हम चलेंगे अलग अलग हिस्सों में और आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह की तैयारी इस वक्त की जा रही है और यकीनन इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है, इसको जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बताते चले अहमदाबाद में कुल 21 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 15 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया मैदान से चुनावी जीत दर्ज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2017 भी उन्होंने घाटलोदिया से ही जीता था। 2012 में आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद जिले में ही, आपको बता दें घाटलोदिया सीट आती है, वहां पर फिर से जीत हासिल करने की बड़ी चुनौती इस वक्त मुख्यमंत्री के सामने है। आपको बता दें नरोडा पाटिया ये वो सीट है जहां पर पहली बार बीजेपी 1980 में बनी थी। 1981 के उपचुनावों में पहली बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक विधानसभा की सीट जीती थी वो नरोडा पाटिया की ही थी। हालांकि 1990 से लेकर 2017 तक लगातार वो सीट बीजेपी जीतती हुई चली आ रही है और वहां पर एक ऐसे महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जिनके पिता के ऊपर गुजरात दंगों के दाग हैं। इसको लेकर विपक्षी दल लगातार निशाना साध रहे हैं। हालांकि बीजेपी का वो गढ़ माना जाता है, ऐसे में उस सीट पर सभी की निगाह टिकी हुई है। अहमदाबाद की एक और सीट है वीरमगाम। हार्दिक पटेल चुनावी मैदान में है वीरमगाम से। आपको बताते चले कि वीरमगाम बीते 10 सालों से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल को चुनावी मैदान में उतारकर पाटीदार और ठाकुर वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहती है वीरमगाम में भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वहां पर भी चुनावी इस रैली और रोड शो के जरिए बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश की। जहां जहां कांग्रेस ने 2017 में जीत हासिल की थी उन सीटों को भी हासिल किया जाए और बीजेपी ने जिन सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी वहां पर भी शानदार तरीके से आगे बढ़ा जाए। देखना महत्वपूर्ण रहेगा, काफी लंबा चौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ पहुंचेगा चांदखेड़ा। आपको बताते चले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज के अपने इस रोड शो और काफिले के जरिए न सिर्फ जहां पर इस वक्त मतदान चल रहा है क्योंकि दोपहर में इसकी शुरुआत होगी वहां पर भी बड़ा असर डालने की कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की, बल्कि इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अगले दौर के लिए यानी कि 5 तारीख को दूसरे और अंतिम चरण के लिए जहां पर मतदान होगा वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर गुजरात की और मध्य गुजरात की बीजेपी जीतना चाहती है। इसी वजह से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कोर कसर, आप देखिए बीजेपी के झंडे किस तरह से जगह जगह चौराहों पर लगाए गए हैं, कहीं भी कोई भी कोर कसर बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है।